नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको ऑनलाइन इंडिया जॉब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप कैसे अपना मोबाइल में, जैसे हम फेसबुक में अपना नंबर यूज़ करते हैं तो हम उसको कैसे लॉक करके रखेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि अपना नंबर क्या है, दूसरों कोई भी पर्सन को पता नहीं चलेगा। ऐसे जैसे हम फेसबुक में अकाउंट खोलते हैं अपना मोबाइल नंबर से, तो मोबाइल नंबर सबको पता लग जाता है कि वो कोई भी पर्सन चाहे तो अपना आपकी फेसबुक आईडी से आपका नंबर को ले सकता है। तो इसको हम कैसे लॉक करेंगे, ज़्यादातर लड़कियों के लिए ज़्यादा यूजफुल है, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक ज़रूर देखिए, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। दोस्तों शुरू करने से पहले मेरे आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हो यहाँ से आपको एक लाइक बटन दिखाई दे रहा है, उसमें क्लिक करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देन यहाँ पे एक रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है, उसमें क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, इसको करने से दोस्तों मैं नेक्स्ट टाइम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा आपको पहले मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मैं आपको दो तरीका दिखाऊँगा, एक तो दिखाऊँगा फेसबुक एप्लीकेशन में, दूसरा दिखाऊँगा फेसबुक लाइट में, ठीक है, क्योंकि दोनों में अलग अलग होता है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको फेसबुक एप्लीकेशन में दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों फेसबुक ओपन हो गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको राइट साइड में देखिए आपको थ्री लाइन नज़र आ रहे हैं, उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे आपको सबसे पहले आपको जाना है ये जो व्यू प्रोफाइल है, तो आपको व्यू प्रोफाइल में जाना है। देखिए मैं आ गया व्यू प्रोफाइल में, और व्यू प्रोफाइल में आने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है एडिट प्रोफाइल, और यहाँ पे आपको मिलता है अबाउट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, एडिट प्रोफाइल में क्लिक करना है। ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया एडिट प्रोफाइल में। जैसे आप एडिट प्रोफाइल में क्लिक करोगे इस तरीके से नीचे आओगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ से एक ऑप्शन दिखाई देगा, देखिए एडिट योर अबाउट इन्फो, तो आपको इसमें क्लिक करना है एडिट योर अबाउट इन्फो। तो ये सारे ऑप्शन जो है ये आपको अबाउट इन्फो भी मिल जाएगा, आप डायरेक्ट अबाउट में क्लिक करके यहाँ पे पहुँच सकते हो। ये ओपन हो रहा है और यहाँ से आपको नंबर दिखाई देगा, ये देखिए आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। और इसका इसमें आपको करना है क्या होगा, कैसे आपको अपना नंबर को हाइड करना है, यहाँ से आपको एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आपको उसमें क्लिक करना है। जैसे आप एडिट का ऑप्शन में क्लिक करोगे ये ओपन होगा, ये देखिए सबसे पहले ऑप्शन में देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर है और यहाँ पे ये लॉक लगा हुआ है, आप देख सकते हो पहले से लॉक नहीं लगा होता है, मैंने इसको लॉक लगाया हूँ। ये जो पहले से होता है ये फ्रेंड्स में होता है और कई बार पब्लिक में होता है, अगर पब्लिक करोगे तो ये सबको पता लगेगा, अगर फ्रेंड्स करोगे जो आपका फ्रेंड होगा उनको पता लगेगा, अगर आप ओनली मी करते हो ये लॉक होता है, किसी को दिखाई नहीं देगा। तो चलिए हम ओनली इसको आपको ओनली मी में रखना है, ठीक है, देन ये लॉक हो जाएगा। चलो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा जो लाइट होता है लाइट में कैसे करना है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइट में भी सेम है लेकिन थोड़े से डिफरेंट है। दोस्तों आपको लाइट में क्या करना है, लाइट में भी सेम है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो थ्री लाइन दिखाई दे रही है उसमें क्लिक करना है। करने के बाद आपको जाना है प्रोफाइल में, और प्रोफाइल में यहाँ से आपको दिखाई देगा अपडेट इन्फो, तो आपको अपडेट इन्फो में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको दिखाई देगा, ये देखिए मोबाइल नंबर आप देख सकते हो, और यहाँ पे एक ये वाला ऑप्शन है तो आपको इसमें क्लिक करना है पेंसिल में। जैसे पेंसिल में क्लिक करोगे यहाँ से देखिए ऑप्शन ये रहे फ्रेंड में है, अगर ये जो अभी जो है ये फ्रेंड को दिखाई देगा, ये देखिए फ्रेंड्स में है, यानी कि ये नंबर अभी जितने सारे फ्रेंड है तो उनको दिखाई देगा, अगर मैं इसको ओनली मी करता हूँ तो ये किसी को दिखाई नहीं देगा, लॉक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको हाइड करने के लिए हम लॉक करेंगे ओनली मी में, देन आपको इसमें डॉन में क्लिक कर देना है, देन ये नंबर जो है ये हाइड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखा आपने बहुत आसान है, बहुत ईजी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि कैसे अपना प्रोफाइल में जो नंबर होता है उसको हाइड कैसे करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको कोई सलाह या सुझाव है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दे के हमारे साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।